सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्नोफ्लेक डायरीज। और आज मैं कोई व्लॉग वीडियो लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ ओट्स मेकअप आर्टिस्ट चैलेंज, जो कि हम लोग के घर के सामने ही जो है उसके पास मैं जाऊंगी मेकअप करने के लिए। तो आप लोग बने रहिए, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी, तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ। तो अभी मैं निकल चुकी हूँ, तो मैं जाके आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए तो मैं पहुंच गई हूँ दीदी के इधर। मुझे दीदी मेकअप करके देंगे पार्टी लुक, तो आप लोग देखते रहिए। और आज मेरा क्या हालत होने वाली है मुझे नहीं पता, दीदी थोड़ा काम पे है, तो चलिए शुरू कर देंगे थोड़ी बाद में। तो चलिए तो दीदी अब मेरे मुंह में वाइप्स लेके घिस रही थी, क्लीन कर रही थी। मैंने पहले ही सोचा होता तो मैं सर्फ लेके आ जाती घर से। कोई नहीं, अभी मैं बैठ चुकी हूँ WWR के लिए। मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी, मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी। मैंने मन मन में ही सोच लिया कि आज क्या ही होगा। उसके बाद दीदी मेरे मुंह पे सीरम लगा रही है और मैं देख रही थी, क्योंकि इतना सारा लग गया, टपक टपक के गिर रही थी। उसके बाद दीदी घिस रही है मेरे मुंह को, मैं तो मुंह बना के आटा जैसा घिस रही थी। फिर दीदी क्या लेके आने वाली है मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं बैठ के सोच रही थी, फिर मैंने देखा कि दीदी मेरे मुंह पे फाउंडेशन अप्लाई कर रही है। इतना सारा फाउंडेशन, ओ माय गॉड। उसके बाद मैं हंसी रोक नहीं पा रही हूँ, मैं हंस हंस के अभी मैं कहाँ जाऊँगी, मैं यही सोच रही थी। और इतना सारा फाउंडेशन, ओ माय गॉड। अभी और अभी मुझे फील आ रही है कि मेरे मुंह पे आटा का जो वो सब है वो लग गई है, और मेरे मुंह पे सुंदर सा ब्रश लेके वो अप्लाई कर रही है, घिसी रही है, घिसो 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 घिसते रहो। उसके बाद मैं सिर्फ मुंह बना रही थी, क्योंकि इतना हार्ड कर, मतलब क्या ही कर रही थी दीदी, मेरे मुंह को आज तो सुंदर बना देगी। उसके बाद अप्लाई कर रही थी फाउंडेशन, वो भी ब्लैक शेड का, इतना ही ब्लैक शेड का कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे मुंह पे सुंदर ही, इतना सुंदर लग रही है। मेरे लिप्स, मेरे जो बाल है उनको तो मतलब ख़राबी कर दिया है तब से हिलाते हिलाते। और अभी तो दीदी ने मेरे आई पे फाउंडेशन लगा के और भी भूत जैसा बना दिया है, आप लोग डरिए मत। दीदी इतनी सोच सोच के मुझे सब कुछ अप्लाई कर रही थी, इतना सुंदर सजाएगी, और मुझे बहुत ही इचिंग हो रही थी। मैं तब भी मैं बहुत ही शांति से बैठी थी। अभी दीदी ने अप्लाई किया है, सो अभी दीदी ने अप्लाई किया है आई शेडो, वो भी ब्राउन शेड का। मेरे ड्रेस से बहुत ही मैच कर रही है। दीदी तो परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट है, आप लोग ज़रूर आइए। और उसके बाद मैं एकदम चुप चुप के देख रही थी कि अभी क्या थोपेगा मेरे मुंह में, इतना सुंदर सा मुंह में क्या ही थोपेगा। और इतना सारा लगाया था मेरे मुँह में, पूरा डस्ट जैसा हो गया था। और अभी दीदी मेरे ऊपर अप्लाई कर रही है आईलाइनर, इतना सुंदर से आईलाइनर को अप्लाई किया है, जो कि एक नर्सरी क्लास की बच्ची भी कर लेगी। और तो अभी दीदी क्या करेगी क्या करेगी क्या करेगी, मुझे चुड़ैल सी बना के उनको तो शायद बहुत ही खुशी हो रही है। दीदी आई लव यू दीदी। उसके बाद दीदी मेरे आईलैश को और प्रिटी
बनाने के लिए क्या ही कर रही थी मैं, तो हट गई। उसके बाद मुझे नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया है। उसके बाद दीदी अप्लाई करी कि मेरे ऊपर आईब्रो का जो काला काला एकदम चुड़ैल जैसा कुंभकर्ण जैसा मुझे लग रही थी वही अप्लाई किया। तब भी मैं बहुत खुश थी क्योंकि दीदी ने ऐसे ट्राई तो किया। दीदी का जो मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स था उनने मेरे ऊपर ही सारा अप्लाई किया। अभी लगा रही है लल लल, जो गुलाबी गुलाबी बोलते हैं ये लगा रही है दीदी। उसके बाद शायद दीदी सोच रही है इनको और ही क्या ही करूँ, मुझे इतनी इचिंग हो रही थी, फिर दीदी इतनी भी स्लो है कि क्या ही बोलूँ। अभी दीदी फिर से ब्रश लेके मेरे जो डस्ट था शायद वो हटा दिया है और उन्होंने लिपस्टिक भी अप्लाई किया है पिंक कलर का। पिंक पिंक इज़ द बेस्ट शायद है दीदी के लिए, दीदी को पिंक कलर बहुत ही पसंद थी। और मैं दीदी को बोल रही थी इतना अच्छा आप मेकअप कहाँ से सीखा दीदी। उसके बाद जो पिंक कलर का लिपस्टिक अप्लाई किया है वो साइड साइड का वो सब भी हटा दिया है, दीदी कितनी अच्छी है। उसके बाद मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगाते वक्त मेरे मुंह में आँख में सब मतलब अप्लाई कर दिया है। उसके बाद दीदी का अभी हेयर का वो जो कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही इजी तरीका से, उनका मैं बच्ची लग रही हूँ क्या ही बोलूँ। वो जो स्कूल जाते उसके बाद मम्मी चोटी बांधती है ऐसे ही कर रही थी, मैं खुद को देख के मैं सोच रही थी वाव सुनीता यू आर ग्रेट। मेरा मेकअप आप लोग देख सकते हैं, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लोग मुझे कैसे घूर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। तो मैं जल्दी जल्दी घर चली जाती हूँ और उसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरे मेकअप उसने क्या। तो अभी मैं घर चली आई हूँ जल्दी जल्दी, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा मेकअप का हालत इतना मतलब ये लोग क्या मतलब मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं उन लोग को कहते हैं नहीं पता मुझे। देखिए आई शेडो भी कैसे मतलब स्मैच कर दिया है और आईब्रो इतना डार्क करके लगाया हुआ है। और भाई साहब रेड इतना पार्टी हो यार, मेकअप लुक इतना डार्क मतलब डे टाइम में इतना हैवी कौन करता है। मुझे तो मतलब 100 में 100 ही देना चाहिए। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये मेकअप लुक कैसा लगा है और क्या बोलूँगी। और कोई बोलने का कुछ है ही नहीं, लोग कैसे मुझे घूर रहे थे, मुझे इतना शर्म आया। तो मैंने मतलब मेरा फेस मैं थोड़ा मतलब हाइड करके मैं जल्दी जल्दी चली आई। और अभी मैं ये मेकअप उतार लूँगी और आज का वीडियो मैं यही एंड कर देती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय।